हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। देखिए अगर हम दो सेट्स ले लेते हैं, एफ जो कि फ्रेंच को इंडिकेट कर रहा है, लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स हु स्पीक फ्रेंच, और दूसरा सेट हम एस ले लेते हैं जो कि स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 50 लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, तो इस लाइन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ वो वाला ग्रुप जो फ्रेंच बोलता है उसमें कितने लोग हैं, 50। 20 स्पीक स्पेनिश, तो वो वाला ग्रुप एस वाला ग्रुप वो वाला ग्रुप है जो स्पेनिश बोलते हैं उसमें कितने लोग हैं, 20। एंड 10 स्पीक बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एस वो कितना है, 10। कितने लोग हैं जो दोनों चीजें बोलते हैं, 10। ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप लोगों को निकालना क्या है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। इस एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते हो, दोनों भी बोलते हो, तो इसमें कौन से वाला ग्रुप आता है, यूनियन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड आउट एफ यूनियन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन एस आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ यूनियन एस का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एस। नाउ यहाँ पर जिस जिस की वैल्यू आपको पता है वहां पे वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो देखें इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 50 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 20 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन इज 10। तो कितना आ गया, 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। तो कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, दोनों में से कम एक तो बोलते ही हैं, दोनों भी बोलते हैं, तो यूनियन में कितने लोग आएंगे, 60। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जब आप क्वेश्चन में हर एक लाइन का मतलब समझते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, उसकी नोटेशन को सर्च आउट करते हैं, तो आपका क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें से आपको एक फॉर्मूला नजर आ जाता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसकी हेल्प से जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आपको मिल जाती है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर एक लाइन का मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या था, कैसे हमने इसको मूव ऑन किया, और तब तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।